हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एवरी टाइम। तो गाइस, यहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आ रही है। जो अभ्यर्थी यानी कि यूपी जेल वार्डर भर्ती में जो कि यहां पर फिजिकल नहीं देने गए, उनके लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से दोबारा मौका दिया गया है। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट तो दोस्तों जा सकता है ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिगार्डिंग। आपको पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी साथियों में शेयर करना। और दोस्तों, सारा डाटा आपको बताएंगे कि आज रनिंग में कितने अभ्यर्थी कहाँ पर फेल हुए हैं, कितने एब्सेंट हैं और क्या क्या दोस्तों यहाँ पर सेंटर से जो अपडेट निकल के आई है रनिंग में। बरेली, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर जो भी यहाँ पर रनिंग है और अपना जो नाम है वो लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं अभ्यर्थी, जो कि दोस्तों भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जारी कर दी गई है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि अपना नाम लिस्ट में आप देख सकें और फिजिकल के लिए जा सकें। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ सूचना विज्ञप्ति 25/3/2021 पुरुष एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर, फायरमैन, पुरुष एवं आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत। ये 2016 लिखा हुआ है, कोई नहीं है दोस्तों, भर्ती उसी टाइम की थी। 22/3/2021 से प्रचलित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता, यानी कि 22/3/2021 से जो भर्ती प्रक्रिया की रनिंग यहां पर शुरू हो चुकी है, सभी जो भी यहां पर बहानियाँ हैं उनके अंदर दक्षता में अब तक अनुपस्थित एवं मेडिकल व अन्य कारणों से दौड़ में प्रतिभाग ना कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये लिखा हुआ आ रहा है अनुपस्थित, यानी कि जो अभ्यर्थी ने, कुछ अभ्यर्थियों का मेडिकल चल रहा है 49,500 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर वो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेडिकल की वजह से दोस्तों वहाँ पर दौड़ लगाने ना गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पास भी हो चुके हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि दोस्तों फेल भी हुए होंगे, तो उनके लिए भर्ती बोर्ड ने दोबारा मौका दिया है, शायद उनका भविष्य फिर से बन जाए। तो यार, इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करना, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी दोस्तों दौड़ लगाने के लिए चला जाए, शायद उसका नंबर इसमें आ गया हो। तो अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिनांक 26/3/2021 को संपन्न कराने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो कि लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट वन में 5 कैंडिडेट हैं और लिफ्ट 2 के अंदर दोस्तों 880 कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, भर्ती बोर्ड की तरफ से एक सुनहरा मौका आपके लिए फिर से दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आप किसी कारण पर अपसेंट हो गए हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल अभ्यर्थियों, सभी के लिए दोबारा मौका दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों, अब यहाँ पर लिस्ट को आप देख लीजिए, लिस्ट ये है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड पैट शेड्यूल ऑफ 880 कैंडिडेट अपसेंट यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल की जो लिस्ट है वो यहाँ पर एक ही में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम है अखिलेश रतन, उसके बाद दोस्तों बलराम तिवारी, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ओल्ड पैट लोकेशन जो थी, यानी कि पुरानी इनकी लोकेशन थी वो थी गोरखपुर, ओल्ड टाइम था, यानी कि 22/3/3 को इनका ओल्ड पेट टाइम था, यानी कि जो दौड़ की तारीख थी वो 23/3 थी और टाइमिंग भी था वो था दोस्तों 3 PM। अब जो दोस्तों रनिंग कराई जाएगी वो अब यहाँ पर न्यू डेट के अंदर, यानी कि न्यू समय पर इनकी डेट कराई जाएगी, यानी कि जगह है लखनऊ और यहाँ पर पेट का टाइम भी देख सकते हैं 26/3 है और 3 PM से इनकी रनिंग है। जो अभ्यर्थियों की पहले रनिंग थी गोरखपुर के अंदर, अब दोस्तों उनकी रनिंग वो कराई जाएगी लखनऊ के अंदर। ये दोस्तों आपकी लिस्ट है, आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल है, अपना नाम चेक कर लीजिए और अपने जो है वो दौड़ लगाने जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दौड़ के बारे में, जो आज का फिजिकल क्या था, क्या रिव्यू था, सभी सेंटरों से आपको बताएंगे फिजिकल जो था वो कैसा चल रहा है। दोस्तों अभी तक का जो फिजिकल है वो दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए 55 से लेकर के 60% तक का अभ्यर्थियों का जो फिजिकल है वो दोस्तों अच्छा नहीं गया है। बहुत सारे जो मेल कैंडिडेट हैं उनका दोस्तों फिजिकल काफ़ी अच्छा जा गया है, बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं गया, 50-50 मान के चल सकते हैं। बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं वो दोस्तों दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं काफ़ी दिक्कत और परेशानी की वजह से। तो आप देख सकते हैं ये बरेली की रिपोर्ट है, 25/3/2021 तीसरे नंबर का बैच है, 77 कैंडिडेट का यहाँ पर बैच बनाया गया था, जिसमें दोस्तों 62 कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर पाए हैं, नॉट क्वालिफाई दोस्तों 15 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर अगली रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो ये प्रयागराज से निकल के आ रही है, जिसके अंदर दोस्तों 100 कैंडिडेट यहाँ पर बचाए गए थे, 100 में से लगभग दोस्तों 55 कैंडिडेट
यानी कि पास हुए थे रनिंग के अंदर। अब आप मान के चल सकते हैं कितने अभ्यर्थी हैं वो फेल हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थी हैं पास हो रहे हैं दौड़ के अंदर। दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं पास कर पा रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस दोस्तों काफ़ी अच्छी है वो यहाँ पर रनिंग को क्वालिफाई कर। तो दोस्तों ये अपडेट आपको ज़रूर पसंद आई। अगली खबर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों कानपुर से, कानपुर में जो अभ्यर्थियों को दोस्तों दौड़ कराई गई थी वो दोस्तों ऐसे ही सभी सेंटरों पर दौड़ काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जा रही है। काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि उतने ही लिमिटेड बैच बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों बैच बनाने के साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो रेस को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। भर्ती बोर्ड की तरफ से दोस्तों दोबारा मौका फिर से दिया गया है पेट के लिए, तो आप यहाँ पर दौड़ लगाने जा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही दोस्तों अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हर भर्ती से रिलेटेड आपको सत्य एवं सटीक जानकारी है वो प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।